आज के पाठ का शीर्षक है छायावाद और सुमित्रा नंदन पंत। इस पाठ के अंतर्गत हम छायावाद के अर्थ एवं तात्पर्य से परिचित हो सकेंगे, छायावाद के उदय के कारणों एवं उसकी परिस्थितियों को समझ सकेंगे, छायावाद का नामकरण कब और कैसे हुआ हम इस पाठ से जान सकेंगे, विभिन्न समीक्षकों आचार्यों द्वारा छायावाद को परिभाषित किया गया है इस पाठ से हम उसकी परिभाषा से परिचित हो सकेंगे, छायावाद स्वच्छंदतावाद एवं रहस्यवाद के अंतर को जान सकेंगे, छायावाद की उपलब्धियों एवं उसके महत्व से परिचित हो सकेंगे, छायावाद में सुमित्रानंदन पंत की भूमिका है हम इस पाठ से जानेंगे, सुमित्रानंदन पंत के काव्य मर्म को जान सकेंगे, सुमित्रानंदन पंत के काव्यात्मक विकास एवं उनकी उपलब्धियों से परिचित हो सकेंगे, सुमित्रानंदन पंत की काव्य भाषा के महत्व को जान सकेंगे। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युगीन नैतिकता, सुचिता, इतिवृत्तात्मकता, मर्यादा, अनुशासन, स्थूल चिंतन, उपयोगितावाद और आदर्श से हटकर व्यक्ति के आत्मसंवेदनों की अभिव्यक्ति के रूप में छायावादी कविता का प्रारंभ हुआ। एक तरह से यह कविता का वैश्विक स्तर पर विस्तार है। इस विस्तार में कविता की मुक्ति भी है। यह मुक्ति अनेक स्तरों पर है। विषय वस्तु और भाषा की इस मुक्ति में कल्पनाशीलता और रागात्मकता की अहम भूमिका है। इसका समय लगभग 1918 से 1936 तक माना जाता है। छायावाद जीवन में मध्ययुगीन सामंती मूल्यों तथा साहित्य में रीतिवादी एवं उपयोगितावादी रुचियों को जड़ से समाप्त करने के लिए काफ़ी हद तक सक्रिय था। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि छायावाद की विशिष्टता उसकी दृष्टि में है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि छायावाद ने प्रकृति चित्रण पर बल दिया, महत्वपूर्ण यह है कि छायावाद ने प्रकृति के सौंदर्य को विशेष दृष्टि से देखा। डॉक्टर चंद्रकांत देवताले ने लिखा है कि इन स्थितियों के बीच प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और सर्वात्म सत्ता के प्रति कौतूहल के साथ नए कवियों द्वारा आत्मानुभूति को नई भाषा, नए रूपों में प्रकट करने की चाह उत्पन्न की। इसी कारण डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। छायावाद को लेकर अनेक भ्रांतियां भी रहीं। छायावाद के ही समानांतर रहस्यवाद के कारण भी भ्रांतियों को प्रश्रय मिला। शुक्ल जी ने रहस्यवाद, छायावाद को काव्य शैली के रूप में देखा। स्वयं प्रसाद ने छायावाद को रहस्यवाद, प्रकृतिवाद से अलग मान, ध्वन्यात्मकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, उपचार वक्रता, लाक्षणिकता यानी शैली पक्ष को ही छायावाद की विशेषताओं के रूप में मान्य किया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इस काल के प्रमुख कवि हैं। पल्लव, गुंजन, परिमल, अनामिका, आंसू, कामायनी और यामा इन कवियों की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दरअसल छायावाद की विभिन्न आचार्यों ने परिभाषा दी है, लेकिन सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है।
नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। बहुत दिनों तक इस काव्य का उपहास किया गया है और बाद में भी इसे या तो चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति के रूप में माना गया या फिर रहस्यवाद के अर्थ में। छायावादी काव्य बाह्य इंद्रिय बोध तथा चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य लोक में पहुंचती है और जाने अनजाने उसका मर्मोद्घाटन करती है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद के उदय की परिस्थितियों एवं कारणों को ठीक से जानने के लिए तत्कालीन वैश्विक स्थितियों पर भी नज़र डालनी पड़ेगी और देश में घट रही घटनाओं पर सतर्क दृष्टि भी। प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद के समूचे ढांचे पर स्थायी और जबरदस्त प्रहार किया। 1917 की रूसी क्रांति ने संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव जमाया। भारत में भी इस दौर में जन आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। 1916 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद कांग्रेस का आंदोलन शहर में रहने वाले शिक्षित उच्च मध्य वर्ग से निकलकर गरीब किसानों और मजदूरों के बीच भी फैल गया। इसके साथ ही यह भावना प्रबल होने लगी कि केवल स्वतंत्रता और मुक्ति ही एकमात्र लक्ष्य हो सकता है। हिंदी के विद्वानों ने छायावाद के उदय के कई कारण बताए हैं। इन सब कारणों के मूल में पूर्ववर्ती कविता और परिवेश के प्रति असंतोष की भावना ही प्रमुख थी। कुछ आलोचकों का मत है कि द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता ने ही इस नई काव्य चेतना को जन्म दिया। प्रथम और द्वितीय महायुद्धों के मध्य प्रवाहित होने वाली कविता की अत्यंत समृद्ध सौंदर्यशाली सचेत और कलात्मक धारा छायावाद है। इसके विस्तार में अध्यात्मवाद, मानवतावाद, रहस्यवाद, दुखवाद और व्यक्तिवाद सभी आ जाते हैं। इसकी मुख्य प्रवृत्तियों और विशेषताओं का उल्लेख आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भावगत विशेषताओं के अंतर्गत 8 विशेषताएं हैं, जिसमें नंबर 1 सौंदर्य चेतना। छायावादी कविता की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त एवं विशाल है। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। कल्पना सौंदर्य को मुखरित करती है। छायावाद सौंदर्य की चित्रशाला है, जिसमें मानव सौंदर्य सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित है। पंत की चर्चित पंक्ति है, सुंदर है सुमन बिहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। छायावाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता वैयक्तिकता। वैयक्तिकता से अभिप्राय व्यक्तिवाद की प्रधानता से है। छायावादी कवियों ने काव्य में अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख का खुलकर वर्णन किया है। प्रसाद के आंसू तथा पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवादी भावनाओं का सुंदर निरूपण हुआ है। महादेवी अपने आप को कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी प्रकार निराला भी अपनी व्यक्तिवादी भावना को व्यक्त करते हैं। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कल्पना करता है। छायावादी युग में पहली बार कवि ने स्वतंत्र होकर स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया। महादेवी ने कहा कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। निराला व महादेवी की ये पंक्तियाँ इसी व्यक्तिकता का निदर्शन प्रस्तुत करती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही
क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये निराला की चर्चित पंक्ति है। महादेवी कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। छायावाद की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति चित्रण है। छायावादी काव्य में प्रकृति चित्रण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्य में प्रकृति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व सामने आया, उसका मानवीकरण हुआ तथा वह जीवन की अन्य भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत हुई। जिस प्रकृति का वर्णन केवल कथा प्रसंग में किया जाता था, वही प्रकृति अब स्वतंत्र रूप से वर्णित की गई है। एक ओस की बूंद और एक फूल पर कविता रची गई। पंत के बाल हृदय के साथ प्रकृति की आत्मीयता देखते ही बनती है। उनकी चर्चित पंक्ति है, हाँ सखी आओ बांह खोल हम, लगकर गले जुड़ा लें प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, हो जाए द्रुत अंतर ध्यान। छायावाद की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है भावुकता और कल्पना। छायावादी काव्य में भावुकता काव्य का पर्याय हो गई है। इससे पूर्व की कविताओं में हृदय का अबाध आवेग अन्यत्र नहीं मिलता है। कवि इंद्रधनुष देखकर ही अत्यंत विह्वल हो उठता है। कवि की कल्पना स्वच्छंद आकाश में विचरण करने लगी। यह कल्पना वस्तुतः छायावादी कवियों की शक्ति है। इसी कल्पना के सहारे ये अतीत के स्वयं की यात्रा भी कर लेते थे तथा इसी कल्पना के सहारे उन्होंने अतीत और भविष्य के सुंदर चित्र निर्मित किए। कहा जाता है कि छायावादी कविता कल्पना और भावुकता का कोष है। निराला की अत्यंत चर्चित पंक्ति है, कल्पना के कानन की रानी, और सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण पंक्ति है, कल्पना के ये पल्लव बाल। छायावाद की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता वेदना और करुणा की मार्मिक भावना है। छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यह वेदना निराशा से भरी नहीं है, इसमें जनसेवा भाव और मानवीयता मौजूद है। डॉक्टर जगदीश नारायण त्रिपाठी इस संदर्भ में लिखते हैं, छायावाद में वेदना का प्रवाह स्वाभाविक मनोभावों को लेकर है। ये प्रेम की असामंजस्यता, सौंदर्य की अस्पष्टता, मानवीय दुर्बलताओं की संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति की अपूर्णता तथा प्राकृतिक रहस्यमयता ही इसका आधार है। महादेवी की कविता में तो वेदना गहरे व्याप्त है। वे कहती हैं कि प्रिय सांध गगन मेरा जीवन। रचनाकार का व्यक्तित्व ही वेदना से विन्यस्त है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा पीड़ा में ही अपने प्रिय को ढूंढती हैं, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। छायावाद की छठी महत्वपूर्ण विशेषता है रहस्यानुभूति। छायावाद युग के प्रारंभ में छायावादी काव्य को प्रायः रहस्यवाद कहने अथवा छायावाद और रहस्यवाद को पर्यायवाची मानने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों को एक ही माना। महादेवी वर्मा के अनुसार विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है, तो किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्मविसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। प्रेयस प्रियतम का संबंध व्यक्त करते हुए महादेवी जी ने लिखा है कि प्रिय चिरंतर है सजन क्षरक्षण नवीन सुहागिनी में, तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या। छायावाद की सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र चेतना है। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यहाँ स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मांग नहीं
वरन जीवन मूल्य है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। पंत ने मानव मुक्ति तथा विश्व मुक्ति की कल्पना की है। इस समय भारतीय मध्य वर्ग का उदय हो चुका था, जिसने यथास्थितवाद का विरोध किया और परिवर्तन की मांग की। निराला लिखते हैं, तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। छायावाद की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता राष्ट्रीयता है। छायावाद काल में पुनरुत्थान भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल रही है। यह भावना जयशंकर प्रसाद में सर्वोपरि है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जैसी पंक्तियों पर कोई भी देशभक्त गर्व कर सकता है। प्रसाद ने अपने नाटकों में देश से संबंधित अनेक ऐसे गीत रचे हैं जिनमें देशभक्ति और आत्मगौरव का ओजस्वी उद्बोधन प्राप्त होता है। छायावाद की शिल्पगत विशेषताएं। छायावादी कवियों ने शब्दों से नए अर्थ, अर्थों से नई चेतना, चेतना से नया कलाबोध और कलाबोध से नई सौंदर्य भंगिमा, हृदय को स्पर्श कर नए रसबोध का संचार किया। लाक्षणिकता, बिंब विधान, प्रतीक विधान, चित्रमयता, प्रगीति तत्व, प्रबंध कल्पना की नवीनता, शोक गीत का रूप, राष्ट्रीय गीत, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण आदि अनेक रूपों का विकास छायावादी कविता में हुआ। भाषा, छंद, अलंकार योजना, प्रकृति चित्रण आदि सभी क्षेत्रों में छायावादी काव्य नवीनतम को लेकर आगे बढ़ता है। प्रकृति का प्रतीक रूप में प्रयोग, भाषा की चित्रमयता एवं लाक्षणिकता, गेयता, नवीन अलंकारों का विधान छायावादी काव्य की अपनी शिल्पगत विशेषताएं हैं। मोटे रूप में काव्य रूप, भाषा, छंद, अलंकार, गेयता, प्रतीक, बिंब के अंतर्गत इसका वर्णन किया जा सकता है। अब हम छायावाद में सुमित्रानंदन पंत की क्या भूमिका है, उनका क्या योगदान है, इस पर आपके बीच चर्चा करेंगे। छायावादी कविता के जितने गुण एवं विशेषताएं हो सकती हैं, सभी गुण सुमित्रानंदन पंत की कविता में विद्यमान हैं। इसीलिए पंत जी को छायावाद का पर्याय कहा जाता है। एक ओर पंत की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र, शक्ति काव्य के रूप में एवं राष्ट्रीय चेतना की प्रमुखता की दृष्टि से जरूर पंत छायावाद के हाशिए पर हैं, पर कहीं न कहीं पंत उसी भाव लोक के वासी हैं जो छायावाद की केंद्रीय संवेदना है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, पर उनकी पहुंच प्राकृतिक सुषमा से मानवीय गंध तक है और लक्ष्य सर्वात्मवाद तक। पंत पर अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा का प्रभाव भी सर्वाधिक है और वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। पंत की काव्य भाषा छायावाद का एक अनिवार्य वैशिष्ट्य है। पंत का काव्य वैभव बहुत समृद्ध और विपुल है। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव पंत जी को ही प्राप्त है। जो लोग आचार्य शुक्ल को छायावाद का विरोधी मानते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि आचार्य शुक्ल छायावाद में अकेले पंत के काव्य वैभव पर विस्मय विमुग्ध हैं। अब हम सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय, उनकी काव्य यात्रा के विकास पर चर्चा करेंगे। कवियवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश जनपद के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही
मातृ स्नेह से वंचित हो जाने के कारण पंत का बाल्यकाल प्रकृति की रम्य प्राकृतिक सुषमा में बीता। प्राकृतिक वातावरण का इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने काशी के जयनारायण हाई स्कूल से मैट्रिक करके प्रयाग के म्योर कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांतर, उत्तरा, रजत, शिखर, शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद के अलावा युगपथ, बाणी, अभिषेकिता, गीतहंस, चित्रांगदा, संयोजिता, पतझर तथा पुरुषोत्तम राम पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। पंत जी की लगभग 200 उत्कृष्ट कविताओं का संग्रह चिदंबरा नाम से 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह पर कवि को 1,00,000 रुपये का ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत सरकार की ओर से सम्मान प्राप्त हुआ। लोकायतन नाम की एक प्रबंध काव्य की रचना भी पंत जी ने की है। पंत जी की सारी रचनाओं को देखते हुए उनके कवि व्यक्तित्व के 3 रूप सामने आते हैं। वे प्रारंभ में प्रकृति के उन्मुक्त प्रेमी के रूप में सामने आते हैं। वीणा से गुंजन तक के संग्रहों में उनका सही रूप सामने आता है। इन रचनाओं में कवि प्रकृति की एक मूर्तिमयी सौंदर्यमयी नारी के रूप में कल्पित कर उसके साथ स्वच्छंद विहार करता है। वह प्रकृति के साथ इतना लिप्त है कि उसके दुख में रोता और सुख में हंसता है। इस अवस्था का कवि प्रकृति की एक एक चेष्टा को उभरी हुई रेखाओं और चटकीले रंगों में चित्रित करता है। पल्लव की रचनाओं में कवि प्रकृति के मांसल एवं मादक सौंदर्य चित्रण में डूबा हुआ है। प्रकृति के प्रति दुर्निवार आकर्षण पंत में एकदम आरंभ से मिलता है। मोह और प्रथम रस में कवि प्रकृति और मानव जीवन के संबंध का ही प्रश्न सबसे पहले उठाता है। ये दोनों छायावाद की एकदम आरंभिक रचनाएं हैं और जैसा संकेत किया गया है कि छायावाद की हिंदी में पहचान बहुत कुछ इन्हीं और इनके साथ की कविताओं से बनी है। मोह का पहला छंद है, छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्या के पंत कल्पना लोक से धरती के यथार्थ जीवन की ओर आते हैं। यहाँ कवि प्रगतिवादी भावना से प्रभावित है। कवि कहता है, देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर, जनमन से। कवि प्राकृतिक सुषमा से मानवीय गंध तक उतर कर आता है। वह कहता है कि सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सबकी निर्मित तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम। प्रभु का अनंत वरदान तुम्हें, उपभोग करो प्रच्छन्न नौ नौ, क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में, यदि बने रह सको तुम मानो। युगांत के बाद की कविताओं में कवि समन्वयवादी तथा मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर चलता है। यहीं से पंत का दर्शन सूक्ष्मतर और फिर बाद की कविताओं में अपना सूक्ष्मतम रूप में अभिव्यक्ति पाने लगता है। पंत की दार्शनिक क्षेत्र में नित्य नवीन गहन अनुभूतियों का बोझ संभालने में हिंदी भाषा लड़खड़ाने लगी। उसमें पंत के गंभीर दार्शनिक चिंतन को संभाल पाने की क्षमता का अभाव सा दिखाई
देने लगा। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। पंत की काव्य भाषा, छायावाद की काव्य भाषा के निर्माण में और विकास में पंत और उनके पल्लव की भूमिका का महत्वपूर्ण योग है। पंत के शब्द अपेक्षाकृत छोटे, असंयुक्त वर्ण वाले, हल्के तथा वायवी हैं। इसके अतिरिक्त भाषा को कोमल बनाने के लिए पंत जी ने है, था आदि सहायक क्रियाओं का बहिष्कार किया। पंत जी निपुण शब्द शिल्पी हैं। पंत जी प्रकृति की छटा से अपनी काव्य रचना करते हैं। वे प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। शब्दों के शिल्पकार हैं। भ्रू से क्रोध की वक्रता, भ्रिकुटी से कटाक्ष की चंचलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्नता ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। उपर्युक्त शब्दों का चुनाव, उनकी तराश, सटीक अर्थवत्ता, मित कथन और स्थापत्य आदि की अविच्छेद्यता उनके काव्य में देखे जा सकते हैं। पंत जी की सम्यक समीक्षा करते हुए एवं काव्यात्मक विकास पर विचार करते हुए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंत जी छायावाद के कवियों में सबसे ज़्यादा रोमांटिक तथा व्यक्तिवादी माने जाते हैं। एक तरह से उनका सारा व्यक्तित्व ही गीतमय है। उनकी साहित्यिक यात्रा के तीन उत्थान हैं। प्रथम में वे छायावादी कवि हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से चालित प्रगतिवादी कवि के रूप में, तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवादी कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तीनों ही अवस्था में पंत जी वैयक्तिकतावादी हैं। जिन दिनों समाजवादी सिद्धांतों से वे आकृष्ट हुए थे, उन दिनों भी वे अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से सबसे अलग समझते थे। उनकी उन कविताओं में बराबर रे का प्रयोग है, जो कवि और उनकी कविता के श्रोतृवर्ग के बहुत बड़े व्यवधान का सूचक है। परंतु उनमें अपने भावों के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, जबकि ऐसे कवि साधारणतः आसक्ति युक्त हुआ करते हैं। पंत सौंदर्य की महिमा के अनासक्त साक्षी कवि हैं। छायावाद का महान आंदोलन पंत के समान नेता पाकर तेजी से लोकप्रिय हो गया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। छायावादी काव्य में मुख्यतः तीन प्रवृत्तियां, स्वच्छंदतावाद, राष्ट्रीयता एवं रहस्य भावना विद्यमान है। छायावाद प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य का काव्य है। छायावाद में स्वानुभूत की प्रधानता है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पंत पर अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा का प्रभाव सर्वाधिक है। पल्लव छायावाद के रहस्य को सुलझाने की अमूल्य कुंजी है। पंत का काव्यात्मक विकास प्रकृति से मनुष्य, मनुष्य से सर्वात्मवाद तक है।